को पीस करके, यदि आप इसको पीसते हैं, पीस करके सिलबट्टे में पीस करके या मिक्सी में थोड़ा पानी दे करके इसको पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना करके थोड़ा सा कपूर मिला सकते हैं आप, हल्का सा कपूर मिला करके आप सर पे लेप लगा दीजिए। सर पे लेप लगाने से, लेप लगाने मात्र से भयानक सर दर्द में भी यह तुरंत राहत प्रदान करता है। सर दर्द में ही नहीं, इसको पीस करके लेप बना करके यदि किसी को भयानक बुखार चढ़ा हुआ हो तो बुखार की स्थिति में भी यह बहुत ही कारगर है। क्या करना है आपको, आपको दो काम करने हैं। एक तो आप जैसे मैंने कहा कि पीस करके पेस्ट बना करके थोड़ा सा कपूर मिला के माथे पे लेप लगा दीजिए, आप पैरों के तलों में लेप लगा दीजिए, आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त यह और भी कई सारे कामों को करता है। क्या क्या करता है कि यदि आपको बुखार, जैसे मैंने कहा कि बुखार के लिए ही आप सौंफ को उबाल करके पूरा गर्म कर लीजिए। जैसे होता है ना, जब आप गर्म करके जब ठंडा हो जाए तो ठंडी पट्टी, जैसे हम कहते हैं ना ठंडी पट्टी रखने के लिए भी सौंफ को ठंडी पट्टी के रूप में भी हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बुखार के लिए अद्भुत है। और इसी तरह से बुखार, जिनको बहुत ज़्यादा पुराना बुखार हो, पुराना बुखार में हमने देखा है गिलोय के साथ में, गिलोय, तुलसी की पत्ती और सौंफ, सौंफ, गिलोय, तुलसी की पत्ती, यदि आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा लौंग भी मिला दीजिए, क्योंकि तुलसी और लौंग थोड़े उष्णता को प्रदान करता है शरीर में, गिलोय उतना उष्ण नहीं होता है, तो सौंफ को मिला देते हैं तो उसके जो उष्णता का जो प्रभाव है थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाता है। कंट्रोल में हो जाने से जो पित्त जनित ज्वर हैं या गर्मी में होने वाले ज्वर हैं उसमें भी यह अत्यंत कारगर, लाभकारी और बहुत ही सरल प्रयोग है। तो इसको आप अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं।